दोस्तों, अगर आप कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा हो और साथ ही साथ सरकारी व्यवस्था भी बने रहे, तो आपके लिए आज ये वीडियो बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेलवे के साथ जुड़कर आप एक नया काम शुरू कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो खास आपके लिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए, आज आपको बताते हैं कि कैसे आप कम निवेश में अच्छा खासा बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, और वो भी सरकारी व्यवस्था के साथ। दरअसल, आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को अपना सहभागी बनने का मौका दिया है। भारतीय रेलवे हर साल तकरीबन 70,000 करोड़ का सामान खरीदता है। यदि आप अपना प्रोडक्ट भारतीय रेलवे को बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए बेहद मुनाफे वाली डील होगी। इन प्रोडक्ट में टेक्निकल और इंजीनियरिंग उत्पादों के साथ दैनिक उपयोग के लगभग सभी तरह के सामान होते हैं। ऐसे में आप छोटे कारोबारी के तौर पर रेलवे को अपना प्रोडक्ट बेचकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी रेलवे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट या फिर इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखें आप किस तरह से भारतीय रेलवे के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रेलवे हर साल करोड़ों का प्रोडक्ट्स खरीदता है। ये प्रोडक्ट्स हर तरह के होते हैं। जहाँ से सामान सही भाव में मिलता है, रेलवे उन जगहों को अधिक तवज्जो देता है जो मार्केट में सबसे सस्ती सप्लाई कर रहा है, उसे टेंडर देने का अधिक चांसेस होता है। ऐसे में आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट तलाशना होगा जो आपको किसी कंपनी या मार्केट से आसानी से और सस्ती दरों पर मिल जाए। इसके बाद आप एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं, जिसकी मदद से आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर टेंडर देख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी लागत और प्रॉफिट के आधार पर टेंडर डालें। ध्यान रहे, आपके रेट कॉम्पिटेटिव रहेंगे तो आपको टेंडर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। सर्विस की सप्लाई के लिए रेलवे कुछ तकनीकी योग्यता भी मांगता है। रेलवे ने घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी, निष्पक्ष खरीद प्रणाली को प्रोत्साहन दिया है। मेक इन इंडिया नीति के तहत रेलवे ने अपने वैगन ट्रैक और LHB डिब्बों के टेंडर में 50% से अधिक स्थानीय प्रोडक्ट वाले आपूर्ति काल ही भाग ले सकेंगे। वहीं वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए 75% इलेक्ट्रिक सामान मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। तो दोस्तों, आप भी भारतीय रेलवे के साथ मिलकर अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने देखा है कि कई बिजनेस ठप पड़ गए हैं और किसी में अब इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा घाटा झेले। इसलिए कम इन्वेस्टमेंट करके, कम उसमें लागत लगाकर, कम निवेश कर अगर आपको कोई अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और सबसे बड़ी बात की वो भी सरकारी व्यवस्था के साथ, तो एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी डील भी है। तो इसके बारे में हमने आपको तमाम पहलुओं से अवगत करा दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। आपके सवालों के जवाब हम लगातार देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, और इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सबका बिजनेस अच्छे से हो, सबके कारोबार अच्छे चलें और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।